प्रणति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज पर्यावरण विषय पर आज चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हमारे भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसके बारे में आज पूरा सविस्तार बताएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है एक यूपीएससी के लिए और दूसरे जो नौ पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट वाइज जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आप सबसे पहला है कच्छ का रण जो गुजरात में है, और यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो कच्छ का रण गुजरात है, जिसका 12,454 वर्ग किलोमीटर है, जो मरुस्थल प्रकार के यह जैव मंडल है, यह ध्यान रखने योग्य है। इसकी कच्छ का रण एवं लिटिल रण ऑफ कच्छ इसमें शामिल है, इसमें कच्छ का रण एवं लिटिल रन ऑफ कच्छ इसमें शामिल है। एशिया का महत्वपूर्ण, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया का महत्वपूर्ण घास प्रदेश जिसको बन्नी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बन्नी का कहते हैं, यह बन्नी कहा जाता है या इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, वह है कच्छ अभ्यारण्य या कच्छ का रण जो है, इसमें कच्छ का अभयारण्य एवं वाइल्ड एस अभयारण्य दोनों पाए जाते हैं। और यह जो है अभयारण्य जो है आपका कच्छ का अभयारण्य और वाइल्ड एस अभयारण्य इसमें सम्मिलित है। और विशेष करके भारतीय जंगली गद्दा जो है वाइल्ड एस अभयारण्य में पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत बार पूछा जाता है, आप जानते होंगे आपको कच्छ अभयारण्य है, इसमें शेर पाया जाता है। और यह जो है वाइल्ड एस अभयारण्य जो है, जिसमें भारतीय जंगली गद्दा विशेष रूप से पाया जाता है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह विषय वस्तु है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह यूपीएससी में कई बार पूछा गया। दूसरा जो है भारत का दूसरा आपका जैव मंडल है, दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल है मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु में अवस्थित है, यह ध्यान रखेंगे। स्थापना इसका 1989 ईस्वी में हुआ, 1989 में हुआ। मुख्य जंतु समुद्री गाय है, यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आता है। और यह जो है इसमें प्रवाल भीतिया पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह जो है आपका यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपको, कुछ ही जो है जैव मंडल जो है सो यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है, जिसमें आपका मन्नार की खाड़ी है। इसमें एक विशेषता है, प्रवाल भीतियों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे प्रवाल जो रीफ है ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी और पूर्वी कॉर्नर पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रवाल भीतिया पाया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मन्नार की खाड़ी जो आपको बता दें रामेश्वरम द्वीप से लेकर के आपको कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है। मैं खुद रामेश्वरम से लेकर के कन्याकुमारी तक गया हूँ, मैं अपने आँखों से देखा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, यह प्रश्न पूछा जाता है, विशेषकर यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है, इसको ध्यान रखें। तीसरा जो है नीलगिरी, जो केरल कौसे केरल कौसे कर्नाटक और तमिलनाडु के मिलन स्थल भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और यह सबसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो कच्छ का रण है। सबसे पहला जैव मंडल कौन है, तो आपका नीलगिरी का है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला 1986 में यह एस्टेब्लिश हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो है नीलगिरी है, सबसे बड़ा जो है क्षेत्र के हिसाब से कच्छ का रण है, इसको ध्यान रखेंगे।
और आपको यह अगर आप ध्यान रखेंगे तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ये भी आता है। जिस तरह से मन्नार की खाड़ी आता है उसी तरह से ये भी आता है। अगस्त मल्लाई जो है आपका जैव मंडल जो है, अगस्त मल्लाई जो केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, या पश्चिमी घाट, ये बार बार पूछा जाता है। पश्चिमी घाट आपका तीन चार जो क्षेत्र है वह बार बार पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट में कौन कौन जैव मंडल है, पूर्वी घाट में तो मात्र एक है, और आपको पूर्वी हिमालय में कौन कौन है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगस्त मल्लाई केरल और जो है, या अगस्त मल्लाई का जो जैव मंडल है आपको, बायोस्फीयर है अगस्त मल्लाई का, केरल और तमिलनाडु है, पश्चिमी घाट में है, 2001 में अवस्थित है, और यह जो है केरल के इलांची पहाड़ियां में या के एक छोर पर, दक्षिणी छोर पर अवस्थित है, और मैं खुद वहां पर गया हूँ। इलांची की पहाड़ियां काफ़ी खुशबू बिखेरता है, वहाँ इलायची के बहुत सारे पेड़ हैं जो वर्षा पड़ने पर काफ़ी सुगंध बिखेरते हैं। मुख्य जंतु इसमें हिम तेंदुआ है, नीलगिरी ताहर है, और लाल पांडा आपको है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर मैं फिर से बता रहा हूँ, सुंदरवन जो है आपका जैव मंडल है जो पश्चिम बंगाल में है, और इसकी स्थापना 1989 में हुआ, 1989 में, उस 1989 में काफ़ी जैव मंडल का निर्माण हुआ। एक आपको सुंदरवन है, उसी तरह से मानस है, या जो है आपको 1989 में हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यह सुंदरवन जो है प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, और इसमें सुंदरी वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसमें पाए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदरी का पेड़ जो है और ये बंगाल टाइगर, इसके कई प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरी बात है कि विश्व में एक ही जगह मैंग्रोव जो प्लांट है उसका सबसे बड़ा विस्तार वाला क्षेत्र है विश्व में एक ही जगह, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और मैंग्रोव प्लांट, सुंदरी वृक्ष भी मैंग्रोव प्लांट्स में आते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। मानस जो है असम में पाया जाता है, ये पूर्वी हिमालय में है। मानस के साथ दो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, एक है राष्ट्रीय उद्यान इसमें आता है, दूसरे में टाइगर रिजर्व आता है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो है ही। या तो आपको बता दें कि मानस से लोग सोचते हैं कि मानस में काजीरंगा ही केवल रहता है, तो काजीरंगा जो है आपको, जिसको हम आपको इसके अलावे जो आपको काजीरंगा और यह मानस जो है, दोनों जो है गैंडे के लिए, राइनोसीरस के लिए प्रसिद्ध है, इसको तो ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात है कि टाइगर रिजर्व से बच्चे कंफ्यूज होता है, या एक दो बार यूपीएससी में पूछे हुए हैं, टाइगर रिजर्व भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपका प्राकृतिक विश्व स्थल के रूप में जाना जाता है, यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दिबांग जो है पूर्वी हिमाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालय में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, मानस भी पूर्वी हिमालय में आता है, दिबांग भी पूर्वी हिमालय में आता है, डिब्रू साइखोवा भी पूर्वी हिमालय में आता है, कंचनजंगा भी पूर्वी हिमालय में आता है, और ग्रेट निकोबार जो भी पूर्वी हिमालय में आता है। पूर्वी ईस्टर्न जो हिमालय है, यह प्रश्न करके बराबर पूछे जाते हैं आपको, जिस तरह से पूछे जाएंगे कि पश्चिमी घाट में कौन जैव मंडल पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में कौन जैव मंडल पाए जाते हैं, और पूर्वी हिमालय में कौन जैव मंडल पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो पूर्वी हिमालय में आपको मानस आपको आ गया, दिबांग आ गया, डिब्रू साइखोवा आ गया, कंचनजंगा आ गया, इसको आप, और उसके बाद ग्रेट निकोबार आ गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मानस की स्थापना 1989 में हुआ है, यह राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में
आता है। प्राकृतिक विश्व स्थल है, ये भी यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में आता है। दिहांग दिबांग की स्थापना 1998 में हुई है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और सियांग की घाटियां में अवस्थित है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग घाटी अभ्यारण्य इसमें अवस्थित है। पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। डिब्रू साइखोवा जो है जो असम में है, आपको बता दें कि यह पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। और दूसरी बात है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आपका डिब्रू साइखोवा है। आप साइखोवा से यूएसएसआर सोवियत संघ मत समझेंगे, या डिब्रू साइखोवा जो है पूर्वी हिमालय के असम क्षेत्र में अवस्थित है और यह सबसे छोटा जैव मंडल। सबसे बड़ा मैंने आपको पूर्व में भी बताया, सबसे कच्छ का रण है और सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा। ये प्रश्न बार बार आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मुख्य जंतु सुनहरा लंगूर है। कंचनजंगा, अब नेक्स्ट हम आते हैं कंचनजंगा पर, जो सिक्किम और पूर्वी कंचनजंगा जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला में महत्वपूर्ण है। कंचनजंगा जो सिक्किम और पूर्वी हिमालय में आता है, स्थापना 2000 वर्ष में हुआ था। और इसके अंदर हिमनद है जिसे जेमू हिमनद कहते हैं। जेमू हिमनद भी बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसके आपको उसके बाद मैं आ रहा हूँ ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार में पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। स्थापना इसका 1989 में हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1989 में ये भी हुआ है, 1989 में आपका सुंदरवन भी हुआ है, 1989 में मानस भी हुआ है। तो इस तरह से 1989 में यह एस्टेब्लिश्ड हुआ है। डिब्रू साइखोवा जो है एवं नौकरेक जो है यह भारत का तीसरा, इस दोनों के बाद भारत का ये तीसरा सबसे छोटा जैव मंडल में आता है। सबसे छोटा तो अभी बताएं डिब्रू साइखोवा है, और उससे बाद जो है नौकरेक है, और यह तीसरा सबसे छोटा जैव मंडल है। तो इसको मैं आपको बता दिया हूँ, इसको ध्यान आप रखेंगे। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे। मैं थोड़ा सा और बतला दे रहा हूँ कि आपको विशेष करके सबसे जो 18 जैव मंडल है, सबसे अंतिम जैव मंडल जो है पन्ना है। पन्ना का जैव मंडल मध्य प्रदेश में है, और यह जो है आपका इसका स्थापना वर्ष 2011 में है। यह 18वां जैव मंडल है, अंतिम जैव मंडल है, इसको ध्यान रखेंगे। 17वां जैव मंडल जो है शेषाचलम पहाड़ी पर है, जो आपको आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट जो है आपको मैं कई बार बता दें, पूर्वी घाट में एक ही जैव मंडल है, वह है शेषाचलम। शेषाचलम जो है वह पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में एक ही जैव मंडल है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मुख्य जंतु उड़ने वाली गिलहरी है, यह 17वां जैव मंडल है। 18वां की बात मैंने कर दिया, पन्ना है। और आपको शीत मरुस्थल जो कोल्ड डेजर्ट है, वह जो है हिमाचल प्रदेश में है, और यह जो है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसका प्रमुख है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो इसी में अवस्थित है, ये जैव मंडल में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आपका करीब करीब जैव मंडल के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। मैं इसको फिर से दूसरे वीडियो में और भी इसके बारे में सविस्तार, जो अभी मैंने आपको 10 के बारे में बताया, 1-2 के बारे में फुटकर बताया हूँ, तो उसके बारे में फिर जो आपको 8 और हैं उसके बारे में विशेष रूप से मैं दूसरे वीडियो में आऊँगा। और 1-2 बातें ध्यान रखेंगे, बड़ा सबसे बड़ा और सबसे और दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और अंतिम स्थान किसका है, इस आधार पर भी आपको याद करा दूंगा। दूसरे है एस्टेब्लिशमेंट में, तो मैंने आपको बताया था नीलगिरी का एस्टेब्लिशमेंट 1986 में है। 4 जो बायोस्फीयर है, 4 जैव मंडल है जो 1989 में हुआ है। और आपको तो आपको ईयर वाइज मैं आपको भी आपको बता दूंगा, और जो उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है उसके बारे में बताऊंगा।
तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसके बारे में लोग आपको बेल आइकन बतलाना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करेंगे। यही मेरी आपके से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।